अब अध्यापक भर्ती 19-20 जिले हो चुके हैं, 19-20 के करीब जिले, 19-20 जिले अध्यापक भर्ती लेवल वन के हो चुके हैं। लेवल वन के लिए साफ वो कह रहे हैं, लेवल वन के लिए अध्यापक भर्ती के जो अभ्यर्थी सुन लीजिए, वो साफ ये कह रहे हैं कि हमारा टारगेट जो हमें कहा गया था 24 तारीख तक के लिए कहा था कि हमने 24 तारीख तक का हमारा लक्ष्य है, 24 तारीख तक परिणाम जारी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले 20 तारीख था लेकिन 24 तक के लिए लक्ष्य है, तो साथ ही 24 तक में हमें रुक रहे, 24 तारीख उनकी, 25 हमारी, और लेवल 1 और 2 एक साथ हम मोर्चा खोलेंगे बड़ी संख्या में। मेरी कितनी तबीयत खराब हो जाए मैं आपके लिए आवाज़ उठाने मैं आऊँगा, चाहे मुझे हॉस्पिटल एडमिट हो तो वहाँ से मुझे आपके लिए आना पड़ा तो मैं आऊँगा, आपके लिए लड़ूंगा। लेवल 1 लेवल 2 के दोनों अभ्यर्थियों से मैं वादा करता हूँ, जो अफवाह फैला रहे आचार्य का नहीं उलझे देंगे, हम संघर्ष के बदौलत भर्ती भी निकलवाना जानते तो पूरी करवाना भी जानते, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो 24 तक का आश्वासन मिला है, बोले कि हम तेज गति से करके कैसे भी हमारा टारगेट है। लोग सवाल करेंगे अभी 20 तक 20 जिले हुए हैं तो फिर कैसे होगा, तो साथियों आज आपको थोड़ा सा समय, आज 16 तारीख है और 25 में अभी तक तो आपको पता है 9 दिन है, यानी कि 8 दिन में ये बहुत कुछ कर सकते हैं, 8-9 दिन में, और नहीं करते तो हम लोग वहाँ परिणाम के लिए आएंगे, जारी कर दिया तो हम लोग डेटा पूछाने और नियुक्ति आदेश जारी करने के लिए आएंगे लेवल 1, और लेवल 2 का हम लोग परिणाम जारी करवाने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे। तो तमाम लेवल 1 और लेवल 2 के 48,000 जो अभ्यर्थी है 25 तारीख की तैयारियों में जुट जाए। आज लेवल 2 के अभ्यर्थी मेरे साथ डेलीगेशन में गए थे, उन्होंने ये कहा कि जैसे लेवल 1 का डॉक्यूमेंट चेक का कार्य पूरा हो जाएगा और दूसरे स्टेप में जब वो टीम और दूसरी टीम उसके परिणाम तैयार करेगी उस समय वो टीम उनके जांच में लग जाएगी, मान लो 20 तारीख तक जांच हो गई या 22 तक हो गई, तो इसके बाद वो टीम इसमें लग जाएगी और वो परिणाम में लग जाएगी लेवल 1 के।